नमस्ते दोस्तों, भारत से फोर्ड मोटर्स ने अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसे कर दिए हैं। 2022 तक वो चेन्नई का प्लांट बंद करने वाले हैं। प्लांट बंद होते से लगभग 4000 लोगों का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे प्रभावित होगा और इनडायरेक्टली लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों का प्रभावित होएगा ही होएगा। 300 सिटी में लगभग 400 डीलर फोर्ड के बने हुए हैं, यहाँ पे सेल्स और सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही बंद होते हैं तो वो लोग भी अफेक्टेड, उनका एम्प्लॉयमेंट, डीलर्स का इन्वेस्टमेंट, डीलर के पास काम करने वाले व्यक्ति और उनके परिवार, ये सभी लोग इफेक्ट होंगे। लगभग $272 मिलियन का डीलर इन्वेस्टमेंट भारत में रहा है फोर्ड मोटर्स के लिए। और पिछले 10 सालों में $2 बिलियन का फोर्ड ने लॉस सहन किया हुआ है। नाउ दे हैव स्टॉप कि हमें अब और लॉस नहीं करना है, सो दे स्टॉप ऑपरेशंस इन इंडिया, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, सेल्स जितना प्रोडक्ट प्रोडक्शन उनके पास है उतना सेल्स और सर्विस चालू रहेगा। प्रोडक्ट में देखते तो प्रोडक्ट की रेंज है इनके पास फोर्ड में, फोर्ड इकोस्पोर्ट, फ्री स्टाइल, फोर्ड फिगो, एस्पायर, फोर्ड एस्पायर और फोर्ड एंडेवर, ये SUVs और कार्स फोर्ड्स में अवेलेबल हैं। जैसे कंपनी बंद होती है तो इनमें जाहिर सी बात है उनको प्रोडक्शन निकालना है, जो प्रोडक्ट उनके पास बने हुए हैं इनको सेल आउट करना है। तो नाउ कंपनी विल ऑफर मोर बेनिफिशियल टू कस्टमर। बट हाँ, जैसे कंपनी बंद होती है तो कंपनी के रीसेल, गाड़ियों की रीसेल सर्विस में दिक्कतें आती ही आती है। अगर प्रोडक्शन चालू रहता है तो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, सर्विस से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं होते। बट हाँ, चाहे कोई कंपनी वाले कितना भी कहते, सर्विस में इशू आते ही आते हैं। इसके पहले भारत से जनरल मोटर्स वॉकआउट कर चुकी है, हार्ली डेविडसन भी वॉकआउट कर चुकी है। अगर हम कंपेयर करें तो 1996 में फोर्ड मोटर्स और हुंडई मोटर्स, ये दोनों भारत में आई थी। हुंडई मोटर्स अभी भी बहुत तगड़ा काम भारत में कर रही है, सेकंड टॉपमोस्ट सेलर है। गाड़ियाँ 4.5-5 लाख गाड़ियाँ हर साल बिकती है और 18% का लगभग मार्केट शेयर है। फोर्ड का 2% भी शेयर करना, मार्केट शेयर कैप्चर करना इनके लिए भारी हो गया था। कोई खास इनोवेशन इनके पास नहीं था, कार्स है उनमें कोई खास इनोवेशन नहीं था। क्वालिटी बहुत तगड़ी थी गाड़ी की। बट हाँ, भारत का जो कंज्यूमर बिहेवियर है भैया, आप सबसे पहले वो कॉस्ट डिफाइन करते हैं। कॉस्ट सेंसिटिव भारत का कस्टमर होता है, माइलेज सेंसिटिव भारत का कस्टमर, इंडिया का कॉस्ट सेंसिटिव और माइलेज सेंसिटिव बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और रीसेल, 5 साल चलाने के बाद में उनके गाड़ी की रीसेल कितनी है, दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंडियन कस्टमर्स। चाहे वो कितनी भी छोटी से हल्की गाड़ी ले या महंगी से महंगी गाड़ी ले, ये तीन थॉट प्रोसेस या मेन पॉइंट्स उनके कार लेते वक्त वो ऑब्जर्व करते ही हैं। सो 1996 से इन्होंने जो शुरुआत की थी तब से ये लोग लगभग 25 साल से स्ट्रगल ही कर रहे हैं एक अच्छा खासा नंबर गेन करने के लिए। फाइनली दे हैव गिव अवे, ऐसा कहना पड़ेगा। फोर्ड के भारत में दो प्लांट है, एक चेन्नई में है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है गाड़ियों की, और गुजरात सानंद में एक प्लांट है जहाँ पे सिर्फ इंजन्स बनते हैं। तो लगभग 4.5 लाख 4.40 लाख यूनिट पर ईयर की इनकी कैपेसिटी है, जबकि फोर्ड मोटर्स एक्सपोर्ट करके भी उनके 20% भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। 2019 कमर्शियल ईयर की तो 66,000 कार इनकी सोल्ड हो चुकी है, जो कि नंबर बहुत ही कम है। और 2021 में तो उससे भी और ही बहुत कम, 50,000 क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया था। सो फाइनली कंपनी, अच्छा ऐसा नहीं है कि फोर्ड मोटर भारत से ही बंद कर रहा है। पिछले 2 सालों में फोर्ड मोटर्स ने यूरोप से अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, रशिया से बंद कर दिए, जर्मनी से बंद कर दिए, एंड 2021 के
शुरुआती दिनों में इन्होंने ब्राजील से भी अपने प्लांट बंद करवा दिए। सो ओवरऑल फोर्ड मोटर्स ग्लोबली क्राइसिस में है, ऐसा कह सकते हैं। दे आर फाइंड डिफिकल्टीज टू गेट द नंबर्स और इसलिए उन्होंने बंद कर दिए। सो देखते हैं अभी आगे कस्टमर्स का क्या होएगा, उनके सर्विस से रिलेटेड, सर्विस से और सेल से रिलेटेड क्या होगा। बट हाँ, डेफिनेटली डिस्काउंट्स विल बी मोर। सो ये है फूड की कहानी। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस पर, अपनी कोशिश करूँगा कि वीडियो उस पर बना पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।